सर ऑन मोबाइल मैंने जो लिया था वो 170 पे लिया था, लेकिन आज जो उसका प्राइस है करंट मार्केट प्राइस वो 100 रुपए है, तो इस टाइम पे मुझे बेचने की सलाह है? देखिए, आपने 170 के, और कई बार कंचन ये आपके चैनल पे पूछा जा चुका है सवाल, और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूटिव काइंड ऑफ फॉर्मेशंस हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है इसमें अगर आपके पास है तो। एक पहली चीज तो एवरेज आउट ना करें अभी जब तक कि इसमें कोई सिग्नल्स जो है रिवर्सल के ना आते हों, और इसमें जो चीजें दिख रही हैं मतलब अगर फंडामेंटली देखी जाए तो लास्ट क्वार्टर काफी खराब रहे हैं इनके। उसमें 24 लाख रुपए का ही केवल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है, जो कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो उसमें 13, 14, 15 करोड़ का होता था, वो अब करोड़ों से लाखों में आ चुका है। तो ये एक डेंटिंग चीज दिखी है मार्केट को। सेल्स में ज्यादा मतलब गिरावट नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इनके खर्चे एक्सपेंसेस काफी बढ़ चुके हैं। तो हो सकता है कि ये एक्सपेंसेस, चूंकि एक फेनोमेना अभी पूरे पूरे पूरी जो है इकोनॉमी में चल रहा है कि कॉस्ट हर चीजों का बढ़ चुका है, तो कॉस्ट के कारण जो है इसमें एक हीट देखने को मिला है, लेकिन टेक्निकली लग रहा है काफी कमजोर है अभी तक। और जब जब तक जो है स्टॉक प्राइस लेट से कि 115 रुपए के ऊपर नहीं जाता है, तब तक मुझे लगता है कि बड़ा रिवर्सल इन प्लेस नहीं होगा एज ऑफ नाउ। और इसके बाद क्या चीजें हो सकती हैं बात पता नहीं। 94, 95 नेक्स्ट अच्छे सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं, तो सपोर्ट के पास आके अगर वापस घूमता है तभी आप देखें इसमें। और चूंकि इनकी खरीद जो है काफी ऊपर की है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, चूंकि आप एक गलती कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा जब कभी भी हो आपके लिए भाव से अगर 5 to 10% अगर गिर जाता है तो आपको तुरंत जो है उस समय किसी भी एनालिस्ट से जो कि हो ऑनलाइन, उनसे आपको जरूर पूछनी चाहिए कि आखिर क्या चीजें हो रही हैं स्टॉक में और पर्टिकुलरली, और आपको कहाँ निकलना चाहिए, इतना बड़ा डेंट ना लगे। अदरवाइज अगर आप फंडामेंटल समझ रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो आपको तुरंत ये चीजें पूछनी चाहिए। जी, तो ये थी राय ऑन मोबाइल पर। सर ने बता दिया है किस तरीके से आपको इस टाइम पे काम करना चाहिए बाजार में।